गुड मॉर्निंग क्लास वन स्टूडेंट, वी आर इन इंग्लिश क्लास एंड टुडे वी विल लर्न इंग्लिश ग्रामर. वी हैव लर्न्ड इन अर्लियर क्लास अबाउट द नेमिंग वर्ड. व्हाट इज नेमिंग वर्ड? द नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स, प्लेस, एनिमल्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड. वी हैव डन इन प्रीवियस क्लास, लेट्स डू 1, 2. Today we will do 3, 4, 5, and 6. So let us do C. Section 3. Names of things. Pictures of some things are given below. Write their name. क्या कह रहा है? नीचे कुछ पिक्चर दिए हुए हैं, इसके नाम लिखिए. यहाँ बॉक्स में नाम दिए हुए हैं, उसमें से चुन करके यहाँ लिखना है. तो ये क्या है? कप है. तो इसमें देखिए ए कप, यहाँ फिल हो जाएगा ए कप. ये देखिए अम्ब्रेला है, तो क्या फिल हो जाएगा? एन अम्ब्रेला. ये बैग है, तो ए बैग. ये क्या है? बुक है, तो ये क्या फिल हो जाएगा? ए बुक. इसके बाद ये देखिए नेम्स ऑफ एनिमल्स, ये एनिमल्स के नाम है. क्या कह रहा है? पिक्चर्स ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो. नीचे कुछ एनिमल्स के नाम फ़ोटो दिए हुए हैं, पिक्चर दिए हुए हैं. राइट दियर नेम, उसके नाम लिखिए. ए रैबिट, ए टाइगर, ए काऊ, ए कैट. ए तो ये क्या है? ए टाइगर. ये टाइगर है तो हम क्या लिख देंगे? ए टाइगर. ये क्या है? रैबिट है तो हम क्या लिख देंगे? ए रैबिट. ये क्या है? काऊ है तो हम लिख देंगे ए काऊ. ये क्या है? कैट है तो हम लिख देंगे ए कैट. उसके बाद देखिए ये नेम्स ऑफ बर्ड्स. पिक्चर्स ऑफ सम बर्ड्स आर गिवन बिलो. कुछ बर्ड्स के फ़ोटो नीचे दिए हुए हैं, यहाँ दिए हुए हैं. राइट दियर नेम, उसके नाम लिखने हैं. आपको बॉक्स में दिया हुआ है नाम ए क्रो, ए पैरट, ए पीकॉक, ए वल्चर. तो ये क्या है? पीकॉक है तो ए पीकॉक लिख देंगे. ये क्या है? पैरट है तो ए पैरट लिख देंगे. ये क्या है? क्रो है तो ए क्रो लिख देंगे. ये क्या है? वल्चर है तो ए वल्चर लिख देंगे. उसके बाद ये देखिए सिक्स्थ है, अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड. इसमें जो नेमिंग वर्ड है, जो नाम है, उसको हम अंडरलाइन करेंगे. ए द बॉय इज रीडिंग ए बुक. इसमें नेमिंग वर्ड क्या है? बॉय और बुक. तो इन दोनों को हम अंडरलाइन करेंगे. बी द एलिफेंट इज प्लेइंग विद ए बॉल. इसमें एलिफेंट और बॉल, ये दोनों नेमिंग वर्ड है, तो इन दोनों को हम अंडरलाइन करेंगे. सी द लाइन इज सिटिंग आउटसाइड इट्स डेन. इसमें लाइन और डेन, ये दोनों क्या है? नेमिंग वर्ड है, तो इन दोनों को हम अंडरलाइन करेंगे. डी प्रिया इज राइटिंग ए लेटर. इसमें प्रिया और लेटर, ये क्या है? नेमिंग वर्ड है, तो इन दोनों को हम अंडरलाइन करेंगे. ई एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई. इसमें एरोप्लेन और स्काई, ये क्या है? नेमिंग वर्ड है, तो इन दोनों को हम अंडरलाइन करेंगे. इसी को हम लोग बोर्ड पे देखते हैं. देखिए पहला क्वेश्चन था नेम्स ऑफ थिंग्स. ये चीज़ों के नाम दिए हुए हैं, ऊपर नाम लिखा हुआ है वर्ड, इसमें से आपको चुनना था. तो ये क्या है? एक कप है. यहाँ देखिए एक कप लिखा हुआ है, यहाँ से हम चुन के यहाँ लिख देंगे. अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से हम यहाँ लिख देंगे. बैग, ए बैग यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिख देंगे. और बुक, ये बुक लिख देंगे. देखिए एक कप का स्पेलिंग ए सी यू पी कप, अम्ब्रेला यू एम बी आर ई डबल एल ए, क्या हो जाएगा? एन अम्ब्रेला, ए बी ए जी बैग, ए बैग, ए बी डबल ओ के बुक. ये तीसरा का हो गया. तीसरा का पहला पिक्चर, दूसरे पिक्चर में ये फिल होगा, तीसरे में ये फिल होगा, चौथे में ये फिल होगा. पांचवा देखिए ये क्या है? नेम ऑफ सॉरी फोर्थ देखिए नेम ऑफ एनिमल्स है, जानवरों के नाम है. ये कुछ पिक्चर दिए हुए हैं. पहला पिक्चर है टाइगर का, तो हम क्या फिल करेंगे? ए टाइगर, ए टी आई जी ई आर, टाइगर, ए टाइगर. दूसरे में ए, ए तो समय फिल होगा. ये रैबिट का फोटो है तो रैबिट फिल कर देंगे. आर ए डबल बी आई टी रैबिट लिख देंगे, ए रैबिट. तीसरे में काऊ का पिक्चर है तो हम लिख देंगे ए काऊ. काऊ की स्पेलिंग है सी ओ डब्ल्यू. फोर का देखिए कैट का पिक्चर है तो हम लिख देंगे ए कैट. कैट का स्पेलिंग सी ए टी कैट. फिफ्थ देखिए ये नेम्स ऑफ बर्ड्स हैं,
ये बर्ड्स के पिक्चर दिए हुए हैं, इसके नाम लिखने हैं। तो ये क्या है, पीकॉक है, तो हम लिख देंगे ए पीकॉक। पीकॉक का स्पेलिंग है पी ई ए सी ओ सी के, पीकॉक। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, पैरट का पिक्चर है, तो हम लिख देंगे ए पैरट। पैरट का स्पेलिंग है पी ए डबल आर ओ टी, पैरट, ए पैरट। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, क्रो है, तो हम लिख देंगे ए क्रो। क्रो का स्पेलिंग है सी आर ओ डब्ल्यू, क्रो, ए क्रो। चौथा है वल्चर का पिक्चर है, तो हम लिख देंगे ए वल्चर। वल्चर का स्पेलिंग है वी यू एल टी यू आर ई, वल्चर, ए वल्चर। सिक्स्थ है अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड। ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें नेमिंग वर्ड जो है उसको अंडरलाइन करना है। सेंटेंस है द बॉय इज रीडिंग ए बुक, तो इसमें बॉय और रीडिंग ये दोनों क्या है, नेमिंग वर्ड है, इसमें अंडरलाइन, ये जो लाइन खींचे हुए हैं ये क्या है, अंडरलाइन है, ऐसे क्या अंडरलाइन कर देंगे उस नेम के नीचे। दूसरे में सिक्स का बी में है द एलिफेंट इज प्लेइंग विद ए बॉल, तो इसमें एलिफेंट और बॉल ये दोनों नेमिंग वर्ड है, इन दोनों के नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। सी में है द लाइन इज सिटिंग आउटसाइड इट्स डेन, तो इसमें लाइन और डेन ये क्या है, नेमिंग वर्ड है, तो लाइन और डेन इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। डी है प्रिया इज राइटिंग ए लेटर, इसमें प्रिया और लेटर ये क्या है, नेमिंग वर्ड है, तो प्रिया और लेटर के नीचे को अंडरलाइन कर देंगे, नीचे लाइन खींच देंगे। ये है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई, तो इसमें एरोप्लेन और स्काई ये क्या है, नेमिंग वर्ड है, तो एरोप्लेन और स्काई के नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। तो आज आपका ये जो है सेक्शन ए, लेट्स डू का सेक्शन ए कंप्लीट होता है, कल हम लोग सेक्शन बी करेंगे। तो आज हम क्लास स्टॉप करते हैं, थैंक यू।